हाँ ये नाज़रीन, आज हम आपको मद्रास करी बनाने की रेसिपी देते हैं। अमूमन तो लोग बॉटल्स वगैरह जो होती हैं बने बनाए पेस्ट की, वो इस किस्म की रेसिपीज़ के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, या फिर करी पाउडर जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हम इसका मसाला जो है वो खुद ही तैयार करते हैं, और बिल्कुल ही ये एक रेस्टोरेंट का टच जो है वो रखती है, तो मज़ेदार तैयार होती है। इसके लिए सबसे पहले तो हमने हाफ कप कुकिंग ऑयल डाला है प्रेशर कुकर में, क्योंकि हमने बीफ तैयार करना है और उसमें हमने एक लार्ज अनियन जो है वो स्लाइस करके डाल लेना है। इसको हमने अब गुलाबी कर लेना है। जो मसाला जात लिए हैं हमने करी पाउडर बनाने के लिए, उसमें सबसे पहले तो होल कोरिएंडर है यानी कि सूखा साबित धनिया, थोड़ा सा स्टार एनीस है यानी कि बादियान, बादियान का हमने 1/4 टुकड़ा लिया है छोटा सा, और हाफ टी स्पून हमारे पास सौंफ है यानी कि फेनल सीड, 4 हमारे पास क्लोव्स हैं, सिनेमन है यानी कि दारचीनी छोटी सी 1 इंच की काफ़ी होगी, और फिर हमने मस्टर्ड सीड्स लिए हैं यानी कि राई। इसके बाद हमारे पास जावित्री है थोड़ा सा टुकड़ा हमने रखा हुआ है, 3 हमारे पास ग्रीन कार्डमम्स हैं यानी कि हरी इलायची, क्यूमिन सीड्स लिए हैं सफ़ेद जीरा हाफ टी स्पून फुल, और मेथरे लिए हैं यानी कि फेन्यूग्रीक सीड्स 1/8 टी स्पून, कोई गिनती के 20 दाने होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालने हैं वरना ये कड़वा हो जाता है। 2 रेड हॉट ड्राइड चिलीज हैं, सूखी हुई सुर्ख साबित मिर्चें, और हाफ टी स्पून फुल हमने होल ब्लैक पेपर का लिया है, 1 हमने बे लीव लिया है यानी कि तेज पात, और ये नटमैग है। तो नटमैग हमने दिखाने के लिए रखा हुआ है, डाला हमने वो बिल्कुल ज़रा सा है जो कि आपको रखा हुआ दिखाई देता है। तो इन सब मसाला जात को आप चाहें तो ड्राई रोस्ट कर लें, चाहें तो ऐसे ही पीस लें। और 1/3 टीस्पून जो है वो हमने हल्दी का लिया है यानी कि टर्मरिक पाउडर का। अनियंस जो है वो आप देख सकते हैं गुलाबी हो चले हैं। जिंजर और गार्लिक हमने पीसा है, 2 हिस्से इसमें गार्लिक हैं और 1 हिस्सा इसमें जिंजर का है, और उसमें से 1.5 टेबल स्पून जो है फुल वो हमने प्याजों में डाल देना है जो कि गुलाबी हो रहे हैं। बीफ लिया है हमने जिसकी हमने छोटी छोटी बोटी की हुई है, कोई 1.5 kg से ये कम होगा और 1 kg से थोड़ा ज़्यादा होगा। इसमें 3/4 टीस्पून हमने सॉल्ट का डालना है, क्योंकि हमने ग्रेवी सी बनानी है तो बहुत ज़्यादा नमक इसमें हमने नहीं डालना है। अब हमने इसको थोड़ा सा हिला लिया है अनियंस के साथ, और 3 मीडियम साइज़ के टोमेटोज जो हैं उनको हमने काट लिया है बड़ा बड़ा, और उसको हमने बीफ पर डाल दिया है। तो चाहे तो आप लैम बना लें, चाहे तो गोट बना लें, आप किसी भी किस्म के मीट से इसको तैयार कर सकते हैं। और जो सारा ड्राई मसाला हमने आपको दिखाया था ट्रे में, वो हमने पीस लिया है, और उसमें से 1 टेबल स्पून फुल हमने इस करी में डाल देना है। 1/2 कप हमने इसमें पानी का डाला है, क्योंकि बीफ अपना पानी भी निकाल लेगा तो बहुत काफ़ी होगा, और इसको हमने प्रेशर दे देना है। तो ये प्रेशर कुकर जो है ये बहुत जल्दी गला देता है, तो 2 मिनट्स के लिए हमने प्रेशर दिया है, फिर प्रेशर को नीचे होने दिया है खुद ब खुद, और फिर हमने प्रेशर कुकर जो है उसको खोल लिया है। अब हमें नहीं पता कि बेटी ने इसको पॉट में क्यों शिफ्ट किया है, शायद वो खुले मुंह का बर्तन चाहती हो ताकि ये जल्दी ड्राई हो जाए, उसको भूख से ज़्यादा लगी होगी तो उसने इसको प्रेशर कुकर से निकाल के पॉट में डाल लिया है और इसको जल्दी सुखा लिया है तेज़ आँच पे, और साथ साथ उसने इसको भून लिया है। बेटी जो है उसका ये रूटीन है कि वो 11 बजे से पहले लंच कर लेती है। जब आप देखें कि इसका ऑयल अलग होने लगा है, ये खुश्क सा दिखाई देने लगा है, इस तरह से बबल्स बनने लगे हैं, तो उसमें आपने थिकेंड क्रीम के 2 टेबलस्पून अच्छी तरह भर के डाल देने हैं यानी कि डबल क्रीम के, और इसको फिर आपने हाई हीट पर थोड़ा सा हिला लेना है। तो आप देख सकते हैं कि सब कुछ इसमें यकजान हो चुका है, एक बहुत अच्छी ग्रेवी तैयार हुई है। कोई 2 मिनट के लिए बस आपने इसको पकाना होगा, और आप देखेंगे ऑयल जो है वो उससे फिर ऊपर आ जाएगा। तो इस वक्त आपने कुकिंग पॉट की आँच जो है वो बंद कर देनी है, और यूँ हमारी जो मद्रास करी है वो बिल्कुल तैयार है। तो बहुत ही मज़ेदार तैयार होती है। अगर आपने इसको चिकन में बनाना है तो आप प्याज़ों को पहले प्रेशर दे लें, यानी कि आप प्याज गुलाबी करके लहसुन अदरक डाल के उसमें तमाम मसाला जार डाल के 1 कप पानी डाल के टमाटर डाल के उसको प्रेशर दे लें, फिर उसको भून लें। भूनने के बाद जब ऑयल अलग होने लगे तो उसमें आप चिकन डाल लें और थोड़ी देर के लिए दम कर दें, फिर क्रीम डालकर और उसको तैयार कर लें। तो यूँ आप इसको चिकन में तैयार कर सकेंगे। तो बहुत मज़ेदार तैयार होती है ये करी, नान के साथ बहुत अच्छी लगती है। ट्राई कीजिए, खुदा करे कि ये रेसिपी जो है ये आपकी बहुत अच्छी तैयार हो और आपको पसंद आए। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।